लेख पत्रों पर स्टाम्प मूल्यांकन के मामले जन साधारण के लिए मुसीबत बन गए हैं। राज्य की ओर से निर्धारित मूल्यों के आधार पर भी स्टाम्प अदा करने के बावजूद स्टाम्प कम लगे होने की नोटिस जारी होती है। तहसीलदार अमीन संबंधित लिपिक व अधिकारी सभी मूल्यांकन की इस कार्यवाही में भागीदार हो जाते हैं। यदि स्टाम्प निर्धारण करने वाला अधिकारी मनमाने तौर पर मूल्यांकन करके स्टाम्प कम होने का निर्णय दे दें तो स्टाम्प की राशि के बाबत किसी न किसी प्रकार से अदायगी करने के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं रह जाता है। इन आदेशों के विरुद्ध राजस्व परिषद व मंडल आयुक्त कोई स्थगन आदेश प्रदान नहीं करते हैं। स्थगन आदेश का प्रावधान होते हुए भी स्टाम्प स्थगित न करने की अघोषित नीति ने बेईमान अधिकारियों को सर्वशक्तिमान बना दिया है। जो भी वह मांग ले व्यक्ति देने को विवश होता है। स्टाम्प मूल्यांकन के संबंध में कितनी मनमानी है यह स्थिति राजस्व परिषद के कई निर्णयों से पिछले दिनों स्पष्ट हो गई। सकीरा खान प्रति राज्य के मामले में तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में तारीख भी नहीं डाली थी और किस प्रकार से उन्होंने मूल्यांकन किया तथा उसका आधार क्या है यह भी नहीं लिखा था। अतिरिक्त कलेक्टर ने स्वयं भी मौके का निरीक्षण किया और तहसीलदार की रिपोर्ट के नीचे लिखा कि यह नक्शा सही है। उनके इस आचरण को पूर्णतया नियम विरुद्ध मानते हुए निर्णय में लिखा गया कि वे इतना अधिक लापरवाह थे कि उन्होंने अपने हस्ताक्षरों के साथ तारीख भी नहीं डाली। वे भूल गए कि वह न्यायिक कार्य कर रहे हैं। मूल्यांकन के लिए निकाली गई राशि की गणना किस प्रकार हुई यह कल्पना का विषय है। उन्होंने यह देखने की भी आवश्यकता अनुभव नहीं की कि निर्माण विक्रय के पहले का है या बाद का और भवन कितना पुराना है। स्टाम्प के मामले में अधिकारियों को निर्णय करने के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वह न्यायिक कार्य कर रहे हैं। लापरवाही से भरे हुए निर्णय वादकारियों को परेशान करते हैं। निर्णय हर प्रकार से संपूर्ण होना चाहिए। अंतर मन से दायित्व का निर्वाह करने की कर्तव्य भावना के साथ निर्णय होने चाहिए। निर्णय के कारण स्पष्ट प्रकट किए जाएं, तथ्यों की विवेचना की जाए, मूल्यांकन के आधारभूत सिद्धांत ध्यान में रखे जाएं, केवल निर्णय का दिखावा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे मामले में स्टाम्प अधिकारियों को चेतावनी देते हुए यह लिखा गया कि सबसे ज़्यादा दुखद पहलू यह है कि मूल्यांकन कल्पना पर आधारित है। पड़ोस के भवनों में क्या किराया है, वास्तव में कितना स्थान है, भवन की क्या दशा है, क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, सड़क या गली से कितनी दूरी है, यह सभी तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आना आवश्यक है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वादकारियों को परेशान ना किया जाए और उन्हें न्यायिक निर्णय मिल सके। स्टाम्प मूल्यांकन के संबंध में अभी तक राजस्व परिषद में यह पद्धति चली आ रही थी कि स्टाम्प
Thank you.